मोशन हो चार्ज का तो किस तरह से करंट की वैल्यू निकालेंगे। अब सीखते हैं कि अगर चार्ज का सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो कितना करंट फ्लो करेगा, है ना, यानी कि करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास कोई चार्ज है क्यू, है ना, जो कि इस आर रेडियस के सर्किल पर घूम रहा है, ठीक है। ये चार्ज है क्यू, ये वी वेलोसिटी से सर्किल के पर घूम रहा है, ठीक है। तो अगर हमें पता करना हो, है ना, कि एक सेकेंड में ये कितने राउंड लगा रहा होगा, कोई ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में कितनी बार पार करेगा, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहला बात करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एफ क्या है, ये मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो अगर ऐसा माने कि जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये चार्ज एक सेकेंड में पांच बार चक्कर लगाता है ना, यानी पांच क्या हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इस क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस करेगा एक सेकेंड में, 5 क्यू। एक बार क्रॉस करता है तो कहेंगे क्यू चार्ज क्रॉस किया, अगर एक सेकेंड में दो बार क्रॉस कर जाता है तो कहेंगे कि एक सेकेंड में 2 क्यू चार्ज किया, क्रॉस किया यहां से, और अगर एक सेकेंड में पांच बार क्रॉस करता है तो कहेंगे कि एक सेकेंड में 5 क्यू चार्ज यहां से क्रॉस किया है, है ना। तो अगर एक सेकेंड में उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो एफ बार यहां से चार्ज क्रॉस करेगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक सेकेंड में एफ इंटू क्यू चार्ज क्रॉस करेगा। एक सेकेंड में जितना चार्ज क्रॉस करेगा उसी को तो हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट आएगा यहां पर चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, इसे ध्यान रखना है। मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूं। जैसे अगर ये एक सेकेंड में एक चक्कर लगाता, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी होती 1, ठीक है, तो मैं कहता यहां से कोई भी इसके पर एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, एक सेकेंड में क्यू चार्ज क्रॉस करता, अगर एक सेकेंड में दो चक्कर लगाता तो इसको दो बार पार करता, तो मैं कहता एक सेकेंड में 2 क्यू चार्ज यहां से क्रॉस किया, अगर एक सेकेंड में पांच बार क्रॉस करता है यही चार्ज, तो मैं कहूंगा कि एक सेकेंड में 5 क्यू चार्ज क्रॉस किया। तो ये 5 क्या है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, एक सेकेंड में पांच बार पांच चक्कर लगाने का मतलब 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एक सेकेंड में 5 क्यू चार्ज क्रॉस किया यानी करंट हो गया 5 क्यू, जिसमें से 5 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, इसलिए करंट हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज। तो जब भी सर्कुलर मोशन कोई चार्ज कर रहा होगा तो उसके कारण से करंट हम लोग निकालेंगे, चार्ज को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग 1/टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, है ना, और टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, 2πr डिवाइडेड बाई वी, अगर वी स्पीड से चल रहा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को ω/2π भी लिखा जाता है, ω/2π ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज घूम रहा होगा वो चार्ज लेंगे और जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में घूम रहा होगा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक बार में जो है वो करंट आ जाएगा।